Hello class 2 students, a very good morning to all. Myself, Bipin sir. Dear class 2 students, today we will start with the English subject, chapter number 3, Teddy Bears. बच्चों teddy bears क्या होता है? आप सबने बचपन में खेला होगा ना, teddy bear toy आता है, right? तो teddy नाम कहाँ से आया आपको ये story में पता चलने वाला है. ध्यान से story सुनना है. बुक नहीं लिया है अब तक आप लोगों ने तो प्लीज परचेस कर लें ताकि आप अच्छे से पूरा चैप्टर रिवाइज कर सकें. सो बच्चों एक टाइम की बात है, एक मैन थे जिनका नाम क्या था, टेडी रूजवेल्ट, जिनको माना गया एक टाइम में वो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, यानी राष्ट्रपति अमेरिका के. वो और उनके कुछ साथी, उन्हें काफ़ी पसंद था हंटिंग करना, जानवरों को हंट करना, जंगलों में जाना. जैसे बड़े राजा हैं पहले करते थे ना, जंगलों में जाते थे, एनिमल्स को हंट करते थे, मारते थे. एक उन्हें भी काफ़ी शौक था किसे, टेडी रूजवेल्ट को, जो एक टाइम में अमेरिका के प्रेसिडेंट थे. वो उनके कुछ फ्रेंड्स एक जंगल में गए एनिमल्स को हंट करने. दो तीन दिनों तक फाइंड आउट किया लेकिन उन्हें कोई भी एनिमल्स नहीं मिला, क्योंकि वो जंगल काफ़ी डीप था, वो जंगल काफ़ी बड़ा था. तो उनके ही एक फ्रेंड को आइडिया आया. उन फ्रेंड ने क्या किया, अपने साथ कुछ डॉग्स को लेकर आया और डॉग्स को लेकर जंगलों में गया. तो डॉग्स, हम सबको पता है डॉग्स बहुत अच्छे तरीके से स्नीफ कर लेते हैं, सूंघ लेते हैं, राइट, आसपास क्या चीज़ें हैं. तो डॉग ने एक बैर को स्नीफ किया, एक बैर के गंध को, सुगंध समझ लिया. तो आदमी और टेडी रूजवेल्ट सब उस और बढ़े तो उनको एक भालू सच में दिखा दिया, यानी बैर. लेकिन वो बैर काफ़ी ओल्ड हो चुका था, काफ़ी थका हुआ था, बहुत तेज़ी से भाग भी नहीं पा रहा था, बहुत ही ओल्ड बैर था. तो उनके फ्रेंड ने उस बैर को पकड़ा, रस्सी से बांध दिया और अपने फ्रेंड यानी अमेरिकन प्रेसिडेंट टेडी रूजवेल्ट के हाथ में गन दिया, बोला ये लो, ये रहा आपका शिकार, अब आप इसे मार सकते हैं. तो टेडी रूजवेल्ट ने जब उस बैर, उस भालू का हालत देखा, उन्हें काफ़ी बुरा लगा कि वो इतना बूढ़ा हो चुका था और काफ़ी थका हुआ था, ऑलरेडी वो इंजर्ड लग रहा था. तो उन्हें देख के बुरा लगा, उन्होंने डिसाइड किया मैं इसे नहीं मारूंगा. उन्होंने उस बैर को छोड़ दिया और एक खबर एक आग के जंगल की तरह हर जगह अमेरिका में फैलने लगी. न्यूज़पेपर में आ गया, हर एक शॉप पे ये सब बातें की चर्चा होने लगी कि कैसे टेडी रूजवेल्ट ने अपने काइंड नेचर को दिखाया और उस जानवर को जाने दिया. हमें भी मैसेज मिलता है हमें किसी जानवर को तकलीफ नहीं पहुँचानी चाहिए. तो उन्होंने उस बैर को छोड़ दिया जंगल में, एक खबर सब जगह पहुँची, उनकी लोगों ने तारीफ की. उसी वक्त एक आदमी ने टेडी रूजवेल्ट को कॉल किया. उस आदमी का पेशा क्या था, उसका नाम था मिशो. उसका काम था यही सारे टेडी बेयर्स बनाता था, उसके टॉयज खिलौने बनाता था. उसने एक लेटर लिखा रूजवेल्ट के नाम पे, टेडी रूजवेल्ट के नाम पे, और वो लेटर भेजा. लेटर में क्या लिखा था उसने कि मैं और मेरी वाइफ बेयर टॉयज बनाते हैं, जो भालू के टॉयज आते हैं वो हम सब बनाते हैं, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट था, क्या मैं अपने जो टॉय के बेड्स हैं, खिलौने हैं, उनका नाम टेडी बियर रख सकता हूँ क्या. तो टेडी रूजवेल्ट ने उन्हें परमिशन दिया, बोला यस आप रख सकते हो. और तब से लेके आज तक हम वो जो बेयर के टॉयज होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, टेडी बियर. तो बच्चों इस कहानी को ध्यान से फिर से देखना है, अपने बुक में भी पूरे चैप्टर को पढ़ना है, उसके बाद पीछे के जो एक्सरसाइज होंगे खुद से आपको ट्राई करना है करने के लिए आपके होमवर्क कॉपी में. थैंक यू वेरी मच.